गुड मॉर्निंग ऑल. अवर चैप्टर 8 इज मॉस्क्यूटोज डिसीजेस एंड ट्रीटमेंट. ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि मॉस्क्यूटोज काटने से हम कौन से डिसीजेस होते हैं. ओके, तो फर्स्ट हमने देखा था मलेरिया, देन सेकेंड डिसीज देखा हमने एनीमिया. ओके, नाउ थर्ड देखा हमने बेबी मॉस्क्यूटोज, दैट इज लार्वी. नाउ इन बेबी लार्वी देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस डिसीजेस. ओके, फाइंड आउट एंड टेल, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस एनीवेयर. ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लार्वी इस तरह से हमें दिखती है. ओके, अगर हम मैग्नीफाइंग लेंस देखेंगे तो हमें लार्वी इस तरह से दिखती है. ओके, सो हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस एनीवेयर. तो आपने उसका पोस्टर कहीं देखा है? अगर आपने देखा है तो येस लिखो, अगर आपने नहीं देखा है तो नो लिखो. अगर आपने येस लिखा है तो आपने जहाँ पे भी उसका पोस्टर देखा होगा वो प्लेस का आपको नाम लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हु डू यू थिंक puts up such posters or gives advertisements in the newspaper. आपको क्या लगता है कि posters और advertisement newspaper पे कौन देता है? So I think that the government health department puts up such posters. Okay, जो health department है हमारे government की, वो ये posters देते होंगे. What are the some of the important points given in the posters? हम उस poster में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहते हैं? सो फर्स्ट इज डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स. ओके, जहाँ अगर हमारे घर के आजू बाजू कोई पानी है तो हमें और वहाँ पे पीट से तो हमें वो फील करने हैं. ओके, चेंज वाटर ऑफ वाटर टैंक्स, कूलर्स एंड कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड द टैंक्स क्लीन. ओके, हमें वाटर टैंक्स, कूलर, वाटर पॉट्स क्लीन रखने हैं. ओके, वो हर वीक में उसे ड्राई करना है. यूज मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हमें खुद को बचाने के लिए मॉस्किटो नेट यूज़ करना है. स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एंड सम प्लेस, अगर कहीं पे भी आपको पानी दिख रहा है तो आप और वो गंदा पानी, तो आप उसमें केरोसिन स्प्रे कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक द पिक्चर ऑफ टैंक, कूलर, ओल्ड टायर, स्पीड्स एंड पॉट्स आर शोन इन द पोस्टर. देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी हुई, देखो प्रीवियस पेज पे ये जो पिक्चर है. ओके, तो ये वो क्यों दी हुई है, आपको ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज वाटर इज फील्ड अप टैंक, कूलर, ओल्ड टायर, पिट्स एंड पॉट्स शोन इन द पोस्टर. ओके, वहाँ पे वाटर जमा हुआ दिख रहा है. द ओल्ड टायर्स एंड द पॉट्स आर फील्ड विथ वाटर, मॉस्किटो लेग्स ले एग्स इन देम. ओके, वो वहाँ पे पानी की वजह से जो मच्छर है वहाँ पे अपने अंडे देते हैं. दिग्स एग्स ग्रो क्विकली इन टू मॉस्किटोज. ओके, और वो अंडों के तुरंत ही जल्द से जल्द मॉस्किटो यानी मच्छर बन जाते हैं. दीज वाटर फील्ड थिंग्स आर ब्रीडिंग प्लेसेज फॉर मॉस्किटोज, दैट इज वाई वी शुड कीप सच प्लेस क्लीन. इसकी वजह से हमें वो प्लेसेस क्लीन रखने चाहिए. ओके, अगर आपके आजू बाजू भी आपको ऐसे कुछ दिखे तो आपको वो प्लेस क्लीन करनी है. ओके, Why do you think it talks about putting fish in the tank? What will the fish eat? आपको ऐसे क्यों लगता है कि फिश को टैंक में डाला जाता है? वो फिश वहाँ पे क्या खाते हैं? तो मुझे तो ऐसे लगता है कि आई थिंक द फिश विल ईट द मॉस्किटो एग. सो इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन अ टैंक. वो जो फिश है वो मॉस्किटो के अंडे खाते होंगे, इसी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि फिश को टैंक में डाला जाता है. What will happen when oil is sprayed on the water? आपको क्या लगता है क्या होता है कि अगर हमने पानी में ऑयल डाला तो? तो अगर आप देखोगे, अगर पानी में ऑयल डालेगा तो एक वाटर की लेवल बन जाती है और उसके ऊपर एक ऑयल की दूसरी लेवल बन जाती है. When oil spreads on the water, a thin layer of oil floats on the surface of the water. Due to this, the mosquito larvae do not get oxygen. As a result, they cannot survive. Thus, the breeding of mosquitoes is stopped. Okay? अगर हम उस ऑयल डालते हैं तो जो पानी के ऊपर एक वाटर की अलग लेयर आ जाती है और वो ऑयल उस पर फ्लोट करता है. इसकी वजह से मॉस्किटो को मॉस्किटो लार्वी डू नॉट गेट ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. इसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ओके, और वो उसकी वजह से वहाँ पे उनकी जो पैदाश है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है. ओके, नाउ टेल मी विच डिसीजेस आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ. कौन से डिसीजेस फ्लाइज की वजह से होते हैं और क्यों? डिसीजेस लाइक डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, टाइफाइड आर स्प्रेड बाय फ्लाइज. फ्लाइज की वजह से डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, टाइफाइड होता है. जो फ्लाइज रहते हैं वो सीट ऑन डर्टी थिंग्स, जो खराब चीज़ें उस पर बैठते हैं, लाइक सीवेज पाइप्स,
थ्रोन अवे फूड एक्सक्रीट ऑफ पेशेंट एंड इसकी वजह से उनके जो लेग्स है उस पर जर्म्स आ जाते हैं। व्हेन दे सीट ऑन अ फूड लेफ्ट और अनकवर्ड, अब वो क्या करते हैं उनके पैरों पे तो वो जर्म्स लग जाते हैं और जहाँ पे फूड ढका हुआ नहीं रहता है वो वहाँ पे बैठ जाते हैं और वो फूड खाने से किसी भी पर्सन को ये सारे डिसीजेस हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ढका हुआ ही फूड खाना चाहिए, ओके, कवर्ड फूड, ओके, हमें हमेशा खाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज मॉस्किटो इन्वेस्टिगेशन। डिवाइड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 or 3। ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक एन एरिया इन स्कूल और अराउंड इट। इट मस्ट बी नोटेड केयरफुली इफ वाटर हैज़ लॉग्ड एनीवेयर, मार्क टिक व्हेन इट फाइंड्स स्टैग्नेंट वाटर। ओके, आपको 2 or 3 ग्रुप बनाने हैं और आपको क्या करना है, आपके स्कूल के अराउंड स्कूल का आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको टिक करना है कि कहाँ पे पानी अच्छा है और कहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर है, मतलब वहाँ पे पानी जमा हुआ है। तो पॉट वहाँ पे है, कूलर वहाँ पे है, टैंक वहाँ पे भी है, एनी ओपन स्पेस इन स्कूल ग्राउंड वहाँ पे नहीं है स्टैग्नेंट वाटर, गटर वहाँ पे है, एनी अदर प्लेस यस रेन वाटर फील्ड इन डिच, जहाँ पे ये डिच रहते हैं वहाँ पे रेन वाटर जमा हुआ है। ओके, और अगर कुछ होगा तो आप इसमें लिख सकते हो। नाउ सिंस हाउ मेनी डेज शी हैज़ वाटर लॉक देयर, सिंस 6 to 7 days द वाटर हैज़ लॉक देयर, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन। तो ये इसमें स्कूल मैनेजमेंट और आफ्टर दैट नगर पालिका, वो भी उसके लिए जिम्मेदार होती है। Who is the supposed to get the gutters and drain repair? तो ये जो काम है वो कौन करेगा, द नगर पालिका। ओके, कैन एनी लार्वी बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, आप लार्वी देख सकते हो, हाँ यस वहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे ये पानी जमा हुआ रहता है वहाँ पे आप लार्वी देख सकते हो। एज इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन दैट एरिया, यस मॉस्किटोज एंड फ्लाइज हैज इंक्रीज इन दिस एरिया, ये लार्वी की वजह से मॉस्किटो और फ्लाइज की जो संख्या है वो बढ़ जाती है और इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टे इन द एरिया ड्यू टू स्मेल ऑफ वाटर, और इसकी वजह से पानी की भी स्मेल आने लगती है। सम पीपल हैव बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और वो मच्छर काटने से बहुत कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है। ओके, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। नाउ मेक अ पोस्टर, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको पोस्टर बनाना है। ओके, इन योर एरिया मेक अ पोस्टर विथ अ मैसेज टू कीप द कूलर टैंक ड्रेन्स एंड द एरिया क्लीन, पुट अप द पोस्टर इन इन और अराउंड योर स्कूल। ओके, आपको ऐसे मैसेज देना है कि हमेशा क्लीन रखना चाहिए वाटर कूलर टैंक ड्रेन्स। ओके, और वो पोस्टर आपके स्कूल में आपको लगाने हैं। ओके, नाउ फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन, राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशन, फाइंड आउट टू हुम द लेटर शुड बी रिटर्न एंड टू विच ऑफिस इट शुड बी सेंड। ओके, आपको क्या करना है कि ये एरिया क्लीन नहीं रहता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो आपको एक लेटर लिखना है और आपको रिपोर्ट करना है, आपको उनको सजेशन देने हैं कि आपको क्या करना है, ये यहाँ पे क्लीन करना है। ओके, और ये लेटर किसको लिखना है और कहाँ पे देना है, दैट इज़ योर होमवर्क। आपको ये दोनों होमवर्क है, आपको ये करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, देखो यहाँ पे कुछ सर्वे रिपोर्ट्स है जो बच्चों ने किया है। तो जो ग्रुप 1 ने क्या किया था, वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन द स्कूल विच इज़ कॉल्ड अलगे, जो टैप्स के उसके आजू बाजू आपको कुछ ग्रीन दिखता है। आप भी अगर आपके घर पे देखोगे तो जो टैप रहता है तो वहाँ पे एक ग्रीन कलर का दिखता है, उसे बोला जाता है अलगी। दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ प्लांट, इट हैज़ बिकम स्लिपरी देयर, और इसकी वजह से हम वो स्लिपरी रहता है और हमारा पैर भी घिस सकता है उसमें। द अलगी स्प्रेड्स अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये जो अलगी है ज़्यादा स्प्रेड कब होती है, रेनी सीजन में होती है। वी थिंक दैट देयर आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन द वॉटर, हमें ऐसे लगता है कि ये एक अलग तरह का स्मॉल प्लांट है जो पानी में उसकी पानी में वो ग्रो होता है। एंड जो ग्रुप 2 है उन्होंने क्या सर्वे किया, देर इज़ अ पॉन्ड नियर द स्कूल, एट फर्स्ट यू कैनॉट सी द वॉटर इन द पॉन्ड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर विथ प्लांट्स, अवर आंटी हैज टोल्ड अस दैट दिस प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्स इन वाटर। हमारे स्कूल के नज़दीक एक पॉन्ड है, वहाँ पे हमने कभी पानी नहीं देखा क्योंकि वो जो पानी है वो प्लांट से ढका हुआ है। एक जो आंटी वो हमेशा कहती है कि ये जो प्लांट्स है उसके अंदर जो वाटर है इसकी वजह से वो यहाँ पे उगते हैं। अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फिल्ड विथ वाटर, वहाँ के वो जो पॉन्ड है वहाँ के आजू बाजू पिट्स है वो जो पानी से भरे हुए हैं।
वी ऑल्सो सॉ सम लार्वी इन दैट वाटर, और जो पानी है वहाँ पे हमें लार्वी दिखती है. ओके, एज वी मूव अराउंड लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोविंग अराउंड, और इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज हैं. हरप्रीत फील्स दैट देयर आर सो मेनी मॉस्किटोज इन हर हाउस बिकॉज ऑफ इट्स डर्टी पॉन्ड नियर बाय. तब हरप्रीत को ऐसा लगा कि उसके घर के भी आजू घर के पास एक पॉन्ड है, उसके वजह से उसके घर में भी ज़्यादा मच्छर है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर अ पॉन्ड रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल, गो देयर एंड ऑब्जर्व सराउंडिंग थिंग्स. अगर आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास कुछ पॉन्ड है, रिवर है, तो आपको ये नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए, उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं. कैन यू सी अल्गी इन और अराउंड द वाटर? येस, अगर आप देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली अल्गी हमें मिलती ही देखने को. ओके, हैव यू सीन अल्गी एनीवेयर वेल्स? आपने कहीं और देखी है? तो अगर आप वेल्स देखोगे, वेट वेल्स, या जो हमारी वॉल भी रहती है अगर वो गीली होती है तो आप उसमें देखोगे कि ग्रीन ग्रीन आ जाता है. ओके, तो उसे ही अल्गी कहते हैं. आर देयर प्लांट्स ग्रोविंग ऑन द साइड और इन द वॉटर? फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ सम ऑफ दिस इन योर नोटबुक. ओके, और कोई प्लांट्स आप देखते हो? तो येस, अल्गी, लोटस, वाटर हाइसेंथ. ओके, ये जो है ये पानी में उगते हैं. मैंने इसकी सिर्फ एक पिक्चर निकाली है, आपको और अलग अलग पिक्चर आपके नोटबुक में निकालनी है. व्हाट डू यू थिंक दिस वेयर प्लांटेड बाय सम वन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? तो वो अपने आप ही उगते हैं. नो वन ग्रोज द प्लांट सीन इन द वॉटर, दे ग्रो ऑन देयर ओन. ओके, कोई वहाँ पे उनको उगाता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पानी में उगते हैं. व्हाट एल्स कैन यू सी इन वॉटर, मेक अ लिस्ट. उसके अलावा आप पानी में क्या क्या देखते हो? फिश, फ्रॉग, मॉस्किटोज, लार्वी. ओके, लीव्स, ड्राई लीव्स पड़े हुए भी हमें पानी में दिखते हैं. ओके, जो भी आपको दिखता है वो आपको लिखना है. Now the next is a scientist peeps into mosquito's stomach. Okay, ये रोनाल्ड रॉस है जिन्होंने मलेरिया का मच्छर उन्होंने उसमें फाइंड आउट किया. ओके, वहाँ पे उनसे रिलेटेड एक स्टोरी है. This interesting incident took place almost 100 years ago. ये 100 साल पहले की बात है. A scientist found that mosquitoes spread malaria. साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि मॉस्किटोज की वजह से मलेरिया होता है. How this scientist has invented? उन्होंने किस तरह से ढूंढा? Let's read about this own words. Okay? माई फादर वॉज एन इंडियन आर्मी. अब ये बोलते कि मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे. आई लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते थे. अब ये देखो, इनके नाम से पता चलता है कि ये ब्रिटिश है बट ये इंडिया में रहते हैं. आई वॉज स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर की मैं पढ़ाई कर रहा था. रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोएम्स वेयर माई हॉबीज. ओके, आई लव द म्यूजिक एंड ड्रामा ऑल्सो. ओके, उनकी हॉबीज दी हुई है, उन्हें क्या पसंद है वो दिया हुआ है. नाउ At that time there was no much information about malaria, but thousands of people died due to it. The disease would occur when there was a heavy rain and mud. People thought that the disease was caused by the dirty air of the mud. That's why they gave its name malaria. Okay? उस टाइम पे मलेरिया की इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को पता नहीं थी. इसकी वजह से मलेरिया किससे होता है, किससे स्प्रेड होता है वो पता नहीं था, तो लोग बहुत सारे मर रहे थे. लोगों को ऐसे लगता था कि जब बहुत बारिश होती है और कीचड़ होता है तब ये मलेरिया होता है. पीपल थॉट दैट, उनको क्या लगता था कि जो कीचड़ के आजू बाजू वो गंदी हवा रहती है उसके वजह से ये मलेरिया होता है, तो उन्होंने उसका नाम मलेरिया रख दिया. मलेरिया मीन्स बैड एयर. ओके, गंदी हवा. इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट अ फ्यू जर्म्स वेयर फाउंड. अगर वो ब्लड की वो टेस्ट करते थे जिनको मलेरिया हुआ है तो उनको कुछ जर्म्स दिखते थे. बट वेयर डिड दिस जर्म्स कम फ्रॉम, पर उनको ये नहीं पता चलता था कि ये जर्म्स कहाँ से आते हैं. वन ऑफ अवर प्रोफेसर थॉट दिस जम्स वुड कम फ्रॉम मॉस्किटोज. हमारे एक प्रोफेसर थे, उनको ऐसा लगा कि ये जम्स मच्छरों से आते हैं. सिंस आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिम, मैं उनका स्टूडेंट था. आई स्टार्टेड ट्राइंग टू नो दैट, मैं इसके लिए ढूंढने लगा. आई स्पेंड ऑल माई डे टू कैच एंड ऑब्जर्व मॉस्किटो. इसकी वजह से मैं पूरा दिन मच्छरों को पकड़ता था और उनको ऑब्जर्वेशन करता था. वी मेक दिस मॉस्किटोज टू बाइट द पेशेंट, इन रिटर्न द पेशेंट रिसीव वन आना, द करेंसी ऑफ एंशियंट टाइम्स वॉज ऑल्सो बी गिवन. ओके, तब जब हम क्या करते थे, वो मच्छरों को पकड़ते थे और कोई किसी पेशेंट को वो मच्छर काटता था, तब जो पेशेंट को हम एक आना देते थे. आना यानी वो वहाँ की करेंसी थी, क्योंकि अगर कोई थोड़ी पेशेंट है जो हमें मच्छरों को काटने देगा. ओके, तो वो मच्छरों को काटने के लिए किसी पेशेंट को एक आना देते थे.
एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद वी डिसेक्ट द मॉस्किटोज, जो सिकंदराबाद का हॉस्पिटल था हमने मॉस्किटोज को डिसेक्ट किया, कट किया, एंड ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। बाय द इवनिंग द नेक वुड बी सोर, उसकी वजह से नेक भी बहुत शाम तक दर्द कर रहा था। वंस इन दिस टफ टास्क आई ऑल्सो फेल इल, ये कठिन काम करने के टाइम पे भी मैं बहुत बीमार पड़ा। नथिंग वॉज फाउंड फॉर सेवरल डेज, बहुत दिन हमें कुछ भी नहीं पता चला। वन डे आई सॉ अ फ्यू डिफरेंट लुकिंग ब्राउन कलर मॉस्किटो, एक दिन मैंने क्या दिखा, ब्राउन कलर के मच्छर देखे। आई लुक इन टू द स्टमक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मॉस्किटो, एक फीमेल मॉस्किटो था उसका मैंने स्टमक देखा। आई सॉ समथिंग ब्लैक देयर, मुझे वहाँ पर कुछ ब्लैक दिखा। वेन आई लुकड क्लोजर फाउंड द सेम जर्म दैट वे प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द मलेरिया पेशेंट, जब मैंने नज़दीक से देखा तो जो जर्म्स उसके स्टमक में थे वही जर्म्स जो मलेरिया के पेशेंट थे उसके ब्लड में दिखे। एंड दिस इज़ हाउ द मलेरिया स्प्रेडिंग जर्म्स वेयर डिस्कवर्ड, और तभी पता चला कि मलेरिया के जर्म्स किस तरह से स्प्रेड होते हैं। इन डिसम्बर 1902 रोनाल्ड रॉस रिसीव अ नोबल प्राइज फॉर हिज इन्वेंशन, दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज़ मिला। ओके, उन्होंने ये इन्वेंशन किया मलेरिया का, तब उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन 1905 इवन व्हेन ही वॉज लाई डाइंग हिज लास्ट वर्ड वेयर आई विल फाइंड समथिंग न्यू। ओके, 1905 में उनकी डेथ हुई और उनके लास्ट वर्ड्स कहते हैं कि मुझे कुछ ढूंढना है और नया कुछ मुझे ढूंढना है। ओके, तो इस तरह से रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का इन्वेंशन किया कि किस तरह से मच्छरों के काटने से हमें मलेरिया होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इन अवर चैप्टर इज व्हाट वी हैव लर्न्ड, व्हाट कैन यू डू सो दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस स्कूल एंड नेबरहुड, अगर मॉस्किटो से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो हमारे आजू बाजू के जो एरिया है, स्कूल, हाउसेस, वो हमें क्लीन रखने चाहिए। ओके, आफ्टर दैट हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए और वो जो गार्बेज बिन है वो ढकी हुई होनी चाहिए। ऑल्सो वी विल स्प्रे केरोसिन एंड डीडीटी और एनी स्टैगनेंट वाटर दैट वी फाइंड, जहाँ पे भी हमें पानी ऐसे दिखता है जमा हुआ तो हमें केरोसिन और डीडीटी स्प्रे करना चाहिए। वी विल क्लीन कूलर स्पॉट्स एंड वाटर टैंक्स, ओके, हमें क्लीन करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज मलेरिया, हमें किस तरह से पता चलेगा कि उसे मलेरिया हुआ है। वी विल गेट द ब्लड ऑफ द पर्सन हु हैज सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, जिसके मलेरिया के सिम्टम्स है उस पर्सन का हमें ब्लड लेना चाहिए और वो पैथोलॉजी लैब में हमें चेक करना चाहिए, एंड वो रिपोर्ट से ही हमें पता चलेगा कि वो पर्सन को मलेरिया है कि नहीं। और आफ्टर दैट डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के बाद डॉक्टर डायग्नोस करेंगे कि दिस इज द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। ओके, आपको ये दो क्वेश्चंस भी आपके नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।